आए हैं पाकिस्तानी सूट देखने के लिए। सबकी शॉपिंग हो गई थी, बस इसकी शॉपिंग बाकी। देख रहे हैं जूती अच्छे लग रहे हैं, स्किन तो क्लियर होती है इसलिए अच्छा लगता है। मेरी बहन खराब कर रहा, थप्पड़ मार दूंगी। हिल रख ली, ये पसार गया बिल्कुल। 200 रुपए देगी, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। ये झूठी उंगली का स्वाद तो नहीं है। भैया 14 से 15 मसाले जब मुस्कानी से डालती है, नाक बुंगड़ी दे रही है। बाल बनाते हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैजा लाइफ फैमिली व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं जा रही हूँ अपने मामा की लड़की के साथ शॉपिंग करने के लिए। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ और पापा से ले लेती हूँ पैसे। पापा पैसे दे दो, क्योंकि घर से बाहर निकलो और पापा से पैसे ना लो। अपने पास चाहे कितने भी हो मगर पापा से लेने बहुत जरूरी होती है। तो पापा से मैंने 100 रुपए ले लिए हैं, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं लेना है। जो भी लेगी मेरे मामा की लड़की लेगी, उसकी आज छुट्टी है तो उसने बोला था कि मार्केट चलते हैं, कहीं कुछ लेकर आते हैं सामान वामान। शादी है तो शॉपिंग चल रही है, तो पापा से मैंने पैसे ले लिए हैं और अब चलते हैं मार्केट। फिर मिलते हैं आपसे वहीं पहुंचकर। मैं आ चुकी हूँ मार्केट में और सामने ही है हमारी पुलिस वाली दीदी। फाइनली मिल गई। चलो तो अब हम करते हैं दोनों मिलकर शॉपिंग। आए हैं पाकिस्तानी सूट देखने के लिए। सबकी शॉपिंग हो गई थी, बस इसकी शॉपिंग बाकी थी, क्योंकि ये परेड में थी 26 जनवरी की, तो इसने बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करी थी। तो अब इसकी शॉपिंग कराने के लिए मैं आई हूँ। अब भैया दिखाएंगे हमें सूट। सूट हमने डन कर लिया है, ले लिया है और अब हम देख रहे हैं जूती। तो यहाँ से हमने ये लिया है बालों में लगाने के लिए, पता नहीं कैसे कैसे लगेगा। चले चल, यहाँ पे देख रहे हैं हम झुमके, अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से देख रहे हैं हम अपना मेकअप का सामान, कंपनी का दिखाओ भैया, फाउंडेशन और काजल। स्किन तो क्लियर होती है इसलिए अच्छा लगता है, चेहरे की स्किन क्लियर। इसकी हाथ पे लगा लगा के दिखा रहे हैं फाउंडेशन, और ये बोल रही है कि चेहरे की स्किन और हाथ की स्किन तो अलग है। ये बात सच है और क्या। हाँ लग तो रही है गोरी, कैमरे में भी गोरा सा आ रहा है। तो भैया दे दो दे दो दे दो। मैं बैठ चुकी हूँ रिक्शे में, शिरीन चली गई अपने घर की तरफ और मैं जा रही हूँ अपने घर की तरफ। तो मिलती हूँ आपसे घर पहुँच कर। हूँ घर पे और अब अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। One hour later. तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं घर आ गई थी और आने के बाद मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, अपना नाइट सूट पहन लिया है और अब मेरा मन कर रहा है मेहंदी लगाने का। तो पहले मैंने अपने नेल पेंट लगाई है, कोई भी कलर समझ में नहीं आ रहा था तो मुझे पाउच में जो भी नेल पेंट दिखी मैंने वही लगा ली। नाखूनों को मैंने काट के भी छोटे छोटे से कर लिए हैं और अब मेरा मन कर रहा है मेहंदी लगाने का। और कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई ओकेजन नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ना कोई शादी है, पर ऐसे ही अचानक से बस मन कर रहा है मेहंदी लगाने का। तो आज सोच रही मेहंदी लगा लेती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे मेहंदी लगाने के बाद। ठंड तो इतनी ज़्यादा हो रही है मगर मन के आगे, मतलब दिल के आगे मैं मजबूर हूँ, तो मन कर रहा है मेहंदी लगाने का। तो मैंने अपना यहाँ पे ये टॉवल बिछा लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अपना टॉवल बिछा लिया है, अपने हाथ को मैंने सेट करके रख लिया है और ब्लैंकेट के अंदर बैठ के मैं अपने मेहंदी लगाने वाली हूँ। तो गाइस देखें मैंने अपनी मेहंदी लगानी शुरू कर दी है और अब मैं इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस मेरे मामा का लड़का, ये बदतमीज मेरी मेहंदी खराब कर रहा, थप्पड़ मार दूंगी। रख ली, थप्पड़ मार दूंगी तो मेहंदी खराब मत कर। तो ये मेरी मेहंदी लग चुकी है, बस आधी रह गई है और छूट भी रही। ये देखो ये बेइज्जती मार रहे हैं। ये घूंघट की आड़ में बैठी है बहू बन के, मुंह मुंह उंगली दे दे के पराठे बन रहे हैं।
आलू चाट चाट के आलू चाट चाट के यूं यूं बनाए यूं यूं जब तक मैं टेस्ट नहीं समझूंगी उसका तो आपको कैसे खिलाऊंगी मेरे यहाँ पे महंगे कंप्यूटर वाली ये पसार गया बिल्कुल अब सो जाएगा ये मुन्ना हमारा इनके लिए आई है गर्मा गर्म पराठों की प्लेट मूलचंद के गर्मा गर्म पराठे ओ माई गॉड इसका भुर्ता तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है मुझे जैसे गुज्जी का भुर्ता बावला ये डोसे का भुर्ता तो ये खाली तू खाएगी मेरे लिए भी है पराठे खाने पे जो इनाम है अगर इन्हें पराठा पूरा खा लिया तो मुझे 200 रुपए देगी 200 रुपए देगी टाइम की कोई लिमिट नहीं है अनलिमिटेड पारी पारी अनलिमिटेड है और थाली रिफिल नहीं होगी तुम इसे पूरा खाओ 10 घंटे के अंदर और 500 रुपए देकर जाओ मजा देखने वाला मुझे भी और जो मजा आएगा सच में मैं तुम्हारे ब्लॉग्स में काली लगती हूँ पता है तुम्हें मुस्कान मूलचंद के बाद में तेरे पराठों की फैन हो गई थैंक यू बहुत लजीज है लजीज बहुत ही बुरे बने इतने भी खा लो इनका टेस्ट अच्छा नहीं है कैसे लगेंगे मजा आ गया सच में उसके शक्ल अच्छी नहीं तो पराठा खास अच्छे लगेंगे मजाक कर रहा है इसे बहुत अच्छे लगे तीन पराठे डालो के बाद जी नमक की कमी रहेगी बस नहीं मक्खन सही लग रहा तो सॉस की कमी है कमी है पहले खाली सा पपड़ाई कर रहा है तारीफ कर रहा भी किराए की भी कमी थोड़ी सी किराए की किराए की किराए हमने किर किराए की अभी तो चूम लू हम तो हाथों पे लड़ो उसके हाथों के अब तो चूम लू अब रोटी का हाथ कटवाई है स्वाद बाबूजी हमें बचपन से लेकर गए थे 14 से 15 मसाले जब मुस्कान से डालती है बाबूजी के मसाले हैं और ये मुस्कान को आते हैं और उनका खाने का स्टाइल बाबूजी भी सिखा कर गए थे 4 उंगलियां सूजी मुंह में डाल रहे बाबूजी श्री एंड में अपने ऐसे बना के वीडियो देती है इसके ऊपर ये जाएगी कॉफी वाला पराठा कॉफी वाला और उसमें बनाएगी अब तेल में नहीं बनेगा फैंटा में बनेगा उसका फैंटा स्पेशल पराठा बनाकर दिखाओ बेटा है जो बाबूजी सिखाकर रहे थे 12 से 15 वो जो कच्चे मसाले कूद के आप बनाती हो उधर दिखाओ जाई के हाथों में ही पानी पियो परांठा कम खाओ पेट भरो इतना चॉकलेट का वादा करके कैसे करा अबे नमक मत गिर बिगड़ जाएगा वो परांठा ये क्यों बदतमीजी कर रहा है नमक का सारा बता दे ए नमक काफी ज्यादा नमक के सवाल कर ये नाक बोंगड़ी दे रही है ए नमक तेज बता दी है आराम से एकदम मजा आ गया मेरे को ठीक लग रहा है आराम कम तूने बताया ना अपने दूल्हे के ना छाती को बेलन से बुझा के वाली 3 लेट में नहीं है वो बेलन बना देती है पराठा ऐसे बात नहीं करता था लंबा और इतना मोटा इसका भर गया है इसलिए बोल रहा है ये बदतमीज नहीं हाथ पे पागल है तू देख मजाक बेलन
मोबाइल दिवा रहे बोलियो अगर मैं बिगड़ जाया हूँ दूर से पर बैठा ये पराठो गाइस ब्लॉग के लिए पानी भी मुझे इस ग्लास में मिला नहीं तो मुझे उस ग्लास में मिलता लशीरीन पराठा जो बालों वाला पराठा लशीरीन बालों वाला तू पागल हो गई है तू मजा की रहा है चुप अगला फिर क्यों मजा लोग ये अभी पत्नी भी चल जाएगी फिर लेटी रहेगी तीन चार दिन तक मैं तो सब पढ़ा रहेगा यार आज जब भी चुप होगी ना पत्नियों से लेंगे ना दो में अल्लाह अल्लाह मेरा पेट आज राम की रायता तू श्री रायता नहीं नहीं बस मुझे फरदान आएगा उसके लिए गरम बनाऊंगी हाँ जब आएगा फरदान जब बनाऊंगा गरम कोमल सरीन के मुंह पर कैमरा फिट कर दिया बल्लू तो जो बोलेगी यही बोलेगी इसके सिवा मैं कुछ नहीं बोलूंगी बल्लू कोई रिस्पांस नहीं देता होगा आठ पराठे खाए बाजी ने बल्लू कोई रिस्पांस नहीं हां छह हो गए है ना दो तो ऐसे ऐसे खुल के छह हो जब तक दर्द होता होगा बल्लू कोई रिस्पांस नहीं अच्छा मेरे भाई मेरे कमर दबा रहा था अरे वो यही कमर ना हो कुछ और गला दबा रहा था मुझे कमर लग रही थी वो दर्द में बेवकूफ मुझे पट्टी बनवाना था मुझे पट्टी पे लगेगा है वो उसका बस ना चले वो बचपन में शरीर खाई है ना कब्रिस्तान की मिट्टी खाई है तूने थप्पड़ मार दी मेरा कब्रिस्तान चार नंबर के लिए बोले वो मिट्टी चूस लेने वाली अल्लाह चाय वाय पियोगे अब चल बना के दिखा दूं ब्लॉग के लिए चाय बना के दिखा कर तेरे अंदर हिम्मत है आप ब्लॉग बंद तो करो बाबूजी के मसाले का स्वाद होना चाहिए बाबूजी के मसाले है कौन से बोले बाबूजी 15-18 मसाले जो फूट के बनाते हैं बाबूजी इनके बाबूजी अच्छा वो कह रहा है असली मसाले सर बाबूजी चांद चौक वाले मिर्च डालता ऐसा करके इतनी सारी बाबूजी के बोल रहे अस्सलाम वालेकुम तुम्हारा भाई अरशद कुरैशी आज बना रहे हम चिकन टिक्का तारा भाई जोगिंदर जोगिंदर मेरे से लगवा ले भूसे कमर में क्या जोगिंदर बताओ चाय कौन पी गई बताओ चाय मैं दरअसल कैपुचिनो पी रही लाटे पहले बताओ पहले लाटे भाई कॉफी ना लेते कॉफी सच में वेरी गुड कॉफी ना लेते कॉफी बनाओगी ये बनाएगी ये जोमेटो से ऑर्डर अमाटो जोमाटो अमाटो जोमाटो नौकरी करोगे तुम उसी में चलो गाइस पराठे हम बिल्कुल फिनिश कर लेते हैं क्योंकि आज ज्यादा तो हमने खा ही लिया है फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद अगर कुछ कॉफी बनाएगी तो कॉफी में सरसों का तेल क्यों डाल दिए अभी सरसों का तेल डाल दिए कॉफी में देख रहे थे तुझे बाबूजी वाला स्वाद चाहिए बाबूजी वाला स्वाद तू घंटा में मैगी बना दे जरा मैं अरे भैया मना कर दीजिए मैगी पीना मैंने रात को कुछ हो गया तो सरसों पानी तो उसका तेल डलवा इसमें जैतून का इसमें ही जैतून का अरे पराठा बना रही हूँ मामी का तू नहीं डाला तुम उसमें तेल अबे तू बाहर गया है तू तुम्हारा लेंगे उसमें अबे तो समझा तूने मुझे गाइस अब ये लोग जा रहे हैं अपने अपने घर लेट्स गो गाइस कुछ काम है मेरा ही सबसे बड़ा काम है ये ही ना काम नहीं लगता मतलब ब्लॉग बनाना काम लगता था तो मेरी मेहंदी लग के रच भी गई बाय बाय तो वो लोग चले गए अपने घर बाहर से कुंड लगा दो और अब हम भी अपने बिस्तरों में लेटते हैं बैठते हैं जो भी करते हैं फिर मिलते हैं आपसे बाय बाय